हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप ठीक हो गए। मैं भी ठीक हूँ। और बारिश बहुत ज़्यादा पड़ रही है बाहर, बारिश का मौसम है। और नन्नू आया है काम से, बाहर से आया है, तो कहता मम्मी मुझे मैगी मेरे को ना वो सेवियाँ बना के दे। सेवियों का पैकेट लेके आया था, कहता आज बारिश है तो मेरा दिल करता सेवियाँ खाने को। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने दोपहर को खाना भी नहीं बनाया था, मैंने कहा चल ठीक है मैं सेवियाँ बना के देती हूँ। मैं सेवियाँ बनाने लगी, पहले मैंने घी डाला थोड़ा सा देसी, फिर मैंने भून के रेड हो गई, जब थोड़ी सी ब्राउन कलर हो गया तो मैंने उसमें दूध का पैकेट भी लेके आया था, फिर मैंने दूध डाल दिया। दूध मेरे से अच्छी तरह पैकेट फटा नहीं था, तो नीचे गिर गया थोड़ा सा दूध, तो बाद में मैंने दूध डाल दिया। दूध में पकाई, बाद में दूध में पकाती रही सेवियाँ, और सेवियाँ बन के मेरी रेडी हो गई हैं। ये थोड़ा सा जल्दी पक जाती हैं, जो रोस्टेड होती हैं ना सेवियाँ, रोस्टेड करते हैं तो थोड़ा सा जल्दी पक जाती है। सेवियाँ बनके मेरी रेडी होगी। उधर से बारिश बहुत तेज़ आ रही है, पूरा दिन हो गया बारिश को, बारिश पड़ते पड़ते। ये देखो सेवियाँ बन गई है मेरी, किस किस को खानी है सेवियाँ, तो आ जाओ। और उधर से मेरी जो चिड़िया थी चुन्नू मुन्नू थे, चुन्नू मुन्नू मेरे बेचारे, चुन्नू थी जो, उसने अंडे दिए हुए थे, अंडे ख़राब हो गए थे उसके, थे और पता नहीं क्या हो गया इसको। अच्छी वाली बैठी थी सुबह और पता नहीं क्या हो गया। ये देखो बेचारे की चुन्नू मुन्नू मर गई है, इतना दुखी हो गया था, रो रहा है, वो कहता मैं रोने ही लग गया, चुन्नू मर गई, अब इसको लेके आएंगे और लेके आएंगे, कोई नहीं, मर गई है चुन्नू। दोनों अंडे देती थी, बहुत मैंने समझाया उसको, मैं कहा तेरे को नहीं लेके आएंगे, अभी जाएंगे नन्नू, बारिश थोड़ी सी कम हो जाए तो चुन्नू नवीन लेके आएंगे, आएंगे और ले आएंगे, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, इसको अब आप कर देते हैं, दबा देते हैं। चिड़ी सी चिड़ी चुनू लेके आएंगे, अंडे का सदमा लग गया मैं लग रहा, बारिश कम होएगी तो। बड़ी पुष्कर से प्रियांश को समझाया, फिर मैंने नन्नू को भेजा, नहीं लेके आया चुन्नू। और देखो हमारी नई डिब्बे में बेचारा बारिश में गया, डिब्बे में बंद करके लेके आया चुन्नू को। देखो चुन्नू उस डिब्बे में है और हम मैं पिंजरे में डाल रही हूँ उसको, भी प्रियांश खुश हो जाए, चलो किसी तरह से प्रियांश परेशान ना हो। और चुन्नू को लेके आ गए हम, चिड़िया नहीं लेके आए, उसका नाम भी हमने चुन्नू ही रख दिया। बड़ी मुश्किल से निकाली डिब्बे से चुन्नू को। उधर से जो भी कमेंट करते हैं ना, जो मेरे जो भी रिश्तेदार हैं, वो थोड़े से उनको किसी ने वीडियो बनाई थी उनके लिए कि वो रिश्ता क्या करेंगे जब आपको, वो इतराज़ करते हैं, लड़की को ऊपर नहीं रहने देते, इतराज़ करते हैं। मैं ही उन्होंने मेरे रिश्तेदारों ने तो कुछ नहीं कहा था, मैं ही बोलती थी कि कल को रिश्ता टूट जाए, क्योंकि कोई भी नहीं सोचता कि लड़की जमाई किसी के घर रहें। मैं अपने ऊपर ही बात लेके जाती हूँ, मैं अपनी लड़की को ऊपर रखती, जमाई को रखती, तो कोई नहीं चाहता रिश्तेदार भी, जो लड़की जो लड़के के रिश्तेदार थे भाई, कोई हमारे घर रहे, ऊपर मकान दूँ। इस वजह से मैंने अपनी लड़की को, दामाद को घर में नहीं रखा था। वो भी बेचारे गुस्से हो गए थे कि हमारा बीच में नाम क्यों लेते हो, किसी ने वीडियो बनाई थी, अब तो वैसे डिलीट कर दिए, मैंने डिलीट करवा दिया। उनको भी अच्छा नहीं लगा कि उनके ऊपर वीडियो बनाई थी कि वो रिश्ता क्या निभाएंगे जब इतना इतराज़ करते हैं लड़की को, दामाद को ऊपर रखने के लिए, तो वो क्या अपनी लड़की को समझाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कई बातें करी थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं उनकी वीडियो डिलीट करवा देती हूँ। जब मेरे बेटे ने उनके पास फ़ोन करा तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमारे ऊपर वीडियो बनी है, अभी तो हमारा अच्छी तरह आपका रिश्ता भी नहीं हुआ, अभी शादी भी नहीं हुई, तो पहले वीडियो बनने लगी, इस वजह से सब लोग इतराज़ करते हैं, कोई भी रिश्ता करेंगे तो वो इतराज़ करते हैं। और सुबह उठती हूँ, चुन्नू बेचारी आ गई थी, वो खेलने लग गए दोनों, अब मिक्स हो गए हैं दोनों। प्रियांश भी बहुत खुश होया। उधर से मैं कपड़े धोने लग गई, क्योंकि नन्नू की वर्दी है जो एक दिन छोड़ के धोनी पड़ती हैं, दो शर्टें हैं, कभी दूसरी गंदी हो जाती है कभी दूसरी, तो मेरे को धोने पड़ते हैं कपड़े। और मैं उधर से बारिश हो रही है, उधर से मैं कपड़े धो रही हूँ, हल्की हल्की बारिश थी, तो मैंने कहा चलो धूप निकलेगी सूख ही जाएंगे, मैं धो ही देती हूँ कपड़े। मैं तो कपड़े धोने लग गई, कंचर घर का दूसरा काम करने लग गई, सवेरे उठ के वो सफाइयाँ करने लग जाती है, तो मैं घर का कपड़े धोने लग जाती हूँ। नन्नू ने काम पे जाना होता है, उधर से बर्तन होते हैं, बर्तन मांझ के मैं खाना बनाने लग जाती हूँ। ऐसे ऐसे हमारा काम हो जाता है, जल्दी से हो जाता है। आज थोड़ा सा मैंने बाज़ार भी जाना है, मैं सोच रही हूँ कि आजकल का मौसम है आम अचार डालने का,
तो चलो मैं अचार भी लेके आना है, आम भी लेके आना है, तो अचार डालूंगी मैं आम का। तो मैं आंटी से बोला, आंटी अपा दोनों बाजार चलेंगे आज, अपा अचार डालेंगे, अचार का आम लेके आएंगे, फिर उसको सुखाएंगे और फिर वो सूख जाएगा एक दिन पूरा, तो फिर उसका अचार डालेंगे। इधर से मैं सब्जी बनाने लग गई, काटने लग गई, बर्तन साफ करके। मैंने कहा चलो सब्जी भी साथ के साथ बनाई लेती हूँ, क्योंकि नन्नू काम पे लेके जाता है, सूखी सब्जी बनानी पड़ती है सवेर के टाइम। तो प्रियांश सूखी सब्जी खाता नहीं, उसके लिए अलग से बनाना पड़ता है कभी कुछ कभी कुछ। वो शिमला मिर्च रखी थी कंचन ने ले आके, तो वो अपने घर से उठा ले आई थी शिमला मिर्च, नहीं तो ख़राब हो जाती उधर उनके घर में। तो वो लेके आ गई थी रात को, मैंने कहा चल मैं बना लेती हूँ शिमला मिर्च और आलू, और बर्तन धो के मैं साथ के साथ शिमला मिर्च काटने लगी थी। कई लोग ना कंचन को कमेंट करते हैं कि कंचन तू अपने दूसरे ससुराल वालों से क्यों नहीं बरतती, क्यों नहीं उनके पास जाती। देखो जी, जब मैं बाहर थी ना, जब दीपक की दात हुई थी ना, मैं बाहर थी उस टाइम पे, वो अकेली थी इधर, और नन्नू था, प्रियांश था, प्रियांश बीमार रहता था, और कंचन भी इतना बीमार हो गई थी कि इसके ना खून की उल्टियाँ लग गई थी। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा इससे फ़ोन करके भी तू कैसे है या प्रियांश कैसे है, एक बार भी नहीं पूछा। और जब मैं आई, मैं उनको उनके पास भी गई मिलने के लिए, वो आए थे अपनी बहन के घर जो कंचन की बुआ सास थी, उनके घर भी मैं लेके गई, तब भी उन्होंने बाद में कोई पूछ पड़ताल नहीं करी, एक बार मिले बस, उसके बाद कोई पूछ पड़ताल नहीं। प्रियांश इतना बीमार रहा, इतना बीमार रहा, फिर भी उन्होंने नहीं पूछा कि प्रियांश कैसी है। प्रियांश तो उनका अंश था, है ना, प्रियांश का हाल चाल तो पूछते, वो उन्होंने उसका भी हाल चाल नहीं पूछा। क्या फिर उनसे बात करना चाहिए कि नहीं चाहिए, आप ही बताओ, ठीक है, जब पूछता ही नहीं था किसी उसको, तो फिर क्या फ़ायदा बात करने का। प्रियांश अब भी इतना बीमार रहता, अब भी कोई फ़ोन नहीं करते भी, अब तो फ़ोन कर ले कर सकते हैं ना वो, अब भी नहीं फ़ोन करते हैं, फिर क्या फ़ायदा उनसे रिश्ता रखने का। प्रियांश आज जब बड़ा होएगा उसकी मर्ज़ी है, जाना होएगा चला जाएगा मिलने के लिए, नहीं जाना होएगा तो उसकी मर्ज़ी है, हम तो कुछ नहीं कहते। मैं तो यही कहती हूँ कि वो चलो बड़ा होकर अपने दादा दादी से मिले, पर उन्होंने तो एक बार भी नहीं पूछा कि हम उसका हाल चाल पूछे प्रियांश का, कोई इनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, कभी कुछ नहीं बोला। चलो किसका नहीं होता, थोड़ा बहुत बोल चाल तो सबकी होती रहती है, पर इन्होंने तो कुछ बोला भी नहीं था जब से वो गया। वो तो इधर ही रहते थे, पंजाब में ही रहते थे, कंचन और प्रियांश तो इधर ही रहते थे मेरे घर में, इधर ही आ सकते थे वो पता लेने के लिए। कोई भी दादी है, दादी को अपना पोता कितना प्यारा होता है, वो एक बार भी नहीं आई दादी ना दादा, बुआ बुआ घर में उनके रहती है ना, बुआ आई, ठीक है, उनको तो आना चाहिए था ना भी, आम इसका हाल चाल पूछे, आए जाएं, पर नहीं पूछते थे वो। क्या फ़ायदा ऐसा बरतने का, रिश्ता रखने का, यही है। चलो प्रियांश होएगा इसकी मर्ज़ी है, जाना होएगा जाएगा, नहीं जाना होएगा जाए ना जाएगा। मैं लगी हूँ सब्ज़ी काटने के लिए, सवेरे सवेरे नन्नू ने जाना है काम पे, तो जल्दी जल्दी मैं सब्ज़ी काट रही थी, क्योंकि सवेरे के टाइम तो बहुत काम बहुत कम होता है, ज़्यादा होता है और टाइम बहुत कम होता है, इस वजह से मैं कहा चलो सूखी सब्ज़ी बना दूँ मैं नन्नू के लिए। उधर से हमारी आंटी आ गई थी, आंटी को थोड़ा काम था मेरे तक, क्योंकि मैं कमेटियाँ देती हूँ, आंटी को मैं कमेटी देनी थी, तो कमेटी के लिए आंटी को बुलाया था। आंटी आ गई थी मेरे पास में, तो मैंने कहा आंटी मैं पहले सब्ज़ी तड़का लगा दूँ, फिर बातें करते हैं, फिर मैं कमेटी भी देती हूँ बाद में। सूखी सब्जी थी, मैं सूखे कढ़ाई में बनाती हूँ सूखी सब्जी तड़का लगा के, और पहले सब्ज़ी भूनती हूँ, पहले प्याज भूनती हूँ, टमाटर डालती हूँ, फिर मैं सूखी सब्ज़ी होती है ना वो सब्ज़ी भी जो तेल होता है उसी में फ्राई करती हूँ, फ्राई करके ही बनाती हूँ जितनी सब्ज़ी होती है, पानी नहीं डालती, सिर्फ सूखी सूखी भूनती हूँ उसको, फिर बाद में नमक मिर्च डालती हूँ। अभी मैं नन्नू को रोटी बना के दे दूँ, नन्नू को भेज दूँ काम पे, उसके बाद मैंने प्रियांश को भी नहलाना है, कंचन सफाई कर लेगी। मैं कंचन को, मैंने थोड़ा से काम से जाना है, मैंने बाज़ार जाना है, मैंने आपको बता ही दिया कि मैंने बाज़ार जाना है, जल्दी जल्दी मैं काम कर रही हूँ, रोटी बना के नन्नू को काम पे भेज दूँ पहले मैं, प्रियांश नहा देगा। मेरे चैनल को ना आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करा करो। एक मेरी सब्सक्राइबर का फ़ोन आया था मेरे पास, मेरे को बहुत अच्छा लगा मेरे से बात करके, वो कहती आंटी जी नन्नू को मैं पता करके बताऊंगी कहाँ पेपर देने हैं, हमने भी अपने लड़के को पेपर दिलवाए थे, प्लस टू के पेपर देंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप
दबा देना पेपर। मेरे को बहुत खुशी होती है जब मेरे पास सब्सक्राइबर फ़ोन करती हैं, बताती है, मेरी हेल्प करती हैं। तो चलो ठीक है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करा करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने भी नहीं करा, और अच्छे अच्छे कमेंट करा करो। चलो मैं वीडियो का एंड करती हूँ।